नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन गोस्वामी 3D एनर्जी सॉल्यूशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है 21 कैटेगरी में से दूसरी कैटेगरी का वीडियो है। दूसरी कैटेगरी हमारी ओरा चक्रा एनालिसिस है। तो मैंने पहले सबसे पहले क्या करना है, स्कैनर चालू करके एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के बाद मुझे एक न्यू क्लाइंट ऐड करना पड़ेगा। मेरे सामने अभी एक क्लाइंट है जिसने फ़ोटो भेजा है, उसका नाम है भरत, लिख दिया। विजिट अपडेट, मैं यहाँ विजिट डेट लिख सकता हूँ और मैंने यहाँ सिटी भी लिख लिया कि सूरत से उन्होंने फोटो भेजा है। नेक्स्ट करूँगा तो मुझे ओरा चक्र एनालिसिस मिलेगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ इस प्रकार का पोर्टल मिलेगा। अभी यहाँ मुझे 7 चक्र एनालिसिस करना है, लेकिन यहाँ मेरे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है हमारा कैमरे का, अगर कोई पर्सन आपके पास लाइवली आता है तो उसका कैमरे को क्लिक करना है, आपको ऐसे कैमरा क्लिक करना है और उसका एनालिसिस करना है। लेकिन वो पर्सन आपके पास नहीं आ सकता तो उसका ऑप्शन भी हमने दिया है कि यहाँ गैलरी का भी ऑप्शन दिया है, आप गैलरी से उसका फ़ोटो ले सकते हैं। गैलरी से उसका फ़ोटो कैसे आएगा, वो पर्सन को आपको बोलना पड़ेगा कि आप अपना एक फ़ोटो भेजिए लाइवली अभी का, और पीछे हो सके तो बैकग्राउंड नॉमिनल क्लियर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। आज हमारे पास कोई पर्सन नहीं है, लेकिन हमने किसी का फ़ोटो मंगाया है तो वही फ़ोटो से हम ओरा और चक्रा का एनालिसिस आपको करके दिखाएंगे कैसे होता है। तो मैं अभी कैमरा के ऑप्शन में नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी गैलरी के ऑप्शन में जा रहा हूँ। तो मैंने गैलरी में गया, गैलरी में आपकी फ़ोटो मैं सिलेक्ट करूँगा और फ़ोटो को मैं छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ यहाँ। तो उसका फ़ोटो कितना लेना चाहिए, तो उसका सर से लेके आप नाभि तक का फ़ोटो भी आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि फुल फ़ोटो आपको रखना है। मैंने अभी फ़ोटो ले लिया है इनका, अभी हम उसका ओरा चक्र एनालिसिस करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहला चक्र जो मूलाधार चक्र है रेड कलर का, उसको पहले क्लिक करूँगा। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, मेरे मशीन पर यहाँ ऑर्डर आ गया, डिवाइस डाउन एंड अप। डिवाइस डाउन एंड अप का मतलब है मुझे अभी डिवाइस चालू करने हाथ में पकड़ के मुझे डाउन और अप करूँगा, उसके बाद डिवाइस मेरा चलने लगेगा। तो मैं अभी ADS777 डिजिटल स्कैनर को हाथ में ले रहा हूँ और डिवाइस डाउन एंड अप कर रहा हूँ मैं। जैसे ही डाउन और अप करूँगा तो यहाँ परसेंटेज लेना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर आपको मशीन ज़्यादा घूमने नहीं देने का, एकदम पेशेंस से करना है आपको। कई लोग मशीन को बहुत घुमाते हैं, उसमें सेंसर कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ही ये सेंसर मूलाधार चक्र को डिटेक्ट हो जाएगा, देखो अभी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑटोमेटिक मशीन, मैंने पहले ही आपको बोला ऑटोमेटिक मशीन। अभी दूसरा स्वाधिष्ठाना चक्र पे जाने के लिए यहाँ पे ऑर्डर आ गया, डिवाइस डाउन एंड अप, मतलब यहाँ भी मुझे कोई भी बटन नहीं दबाना है। यहाँ डिवाइस में डाउन कर रहा हूँ और वापस अप कर रहा हूँ। यहाँ स्वाधिष्ठाना चक्र भी, ATP2% आया। यहाँ परसेंटेज भी सेव करता जाएगा, आपको कोई सेव करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आप ऑटोमेटिकली मशीन स्कैनर, जो अपना जो स्कैनर है ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। ये थर्ड चक्र मणिपुर चक्र, ATP76%। नेक्स्ट ATP32, आप देख सकते हो पहले जब ये मशीन 180 डिग्री पे था, 180 एंगल पे था, तब 76 लिया और अभी 180 डिग्री पे 32 लिया, मतलब यहाँ एंगल से कोई लेना देना नहीं है।
मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ एंगल से कोई लेना देना नहीं है। एक 180 डिग्री पे स्कैनर जो सेंसर स्कैन करेगा, 32 भी हो सकता है, 76 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, मतलब यहाँ एंगल का खुलने, जैसे पुराने स्कैनर में हम बोलते हैं कि भाई 180 डिग्री 100%, ऐसा ज़रूरी नहीं है। स्कैनर को जो अच्छा लगेगा और जो वहाँ फ्रिक्वेंसी होगी वही आपको एक्चुअल डिटेक्ट करके देगा। अभी नेक्स्ट हम जा रहे हैं विशुद्धा चक्र। सिक्सटी टू थर्ड आई चक्र, मशीन के बीच में आपको कम से कम थोड़ी दूरी रखनी है ताकि मशीन को पूरा घूमने का मौका मिले। और मशीन को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना है, कई लोग मशीन को 360 डिग्री पूरा घुमा रहे, ऐसा आपको नहीं घुमाना है, मशीन अपने आप घूमेगा, आपको खाली मशीन को स्टेबल रखना है। लास्ट चक्र है हमारा ये 100%। जैसे ही 7 चक्र एनालिसिस हो जाएंगे यहाँ आपको 3D का लोगो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्कैनर ने 7 चक्रों को स्कैनिंग कर लिया है। उसके बाद डिवाइस को मैं स्टैंड पे रखूँगा। उसके बाद देखो यहाँ मुझे 7 चक्र का एनालिसिस मिल गया है, जैसे मूलाधार चक्र 74%, स्वाधिष्ठाना चक्र 80%, मणिपुर चक्र 76, हार्ट चक्र 32, विशुद्धि चक्र 62, आज्ञा चक्र 74 और क्राउन चक्र 100%। अभी ये हमको नोट नहीं करना है, सीधा सबमिट बटन पे क्लिक करना है, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो भी प्रोसेस करेगा ये सॉफ्टवेयर करेगा, उसको रिपोर्ट बनने में शायद 10 से 15 सेकंड लगे, आपको वेट करना है। उसके बाद आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, क्या आप ये रिपोर्ट व्हाट्सअप करना चाहते हैं डायरेक्टली, या आप देखना चाहते हैं, या बाहर निकलना चाहते हैं। मैं ये रिपोर्ट देखना चाहता हूँ तो मैं व्यू पे करूँगा, जैसे ही व्यू पर रिपोर्ट करूँगा ये मुझे बोलेगा कौन से ऑप्शन में आपको खोलना है। तो मेरे पास गूगल PDF व्यूअर होना चाहिए, आपके डिवाइस के अंदर आप एडोब रीडर आप डाल दो ताकि PDF रिपोर्ट अच्छी तरह से बने। मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, ऑलवेज मैं कर रहा हूँ, तो ये मुझे एक PDF फॉर्मेट में मुझे मिल गया है। जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पर अभी कोई डिटेल मैंने डाला नहीं है क्योंकि ये टैबलेट मेरा है। अभी इसके अंदर मैं कुछ भी डिटेल डालूंगा, मैं प्रोफाइल में जाके मेरा नाम, मेरा प्रोफेशन, मेरा बिजनेस, मेरी डिग्री, मेरा फ़ोटो, मेरा लोगो और मैं जो प्राइस करूंगा वही फर्स्ट पेज के अंदर आपको मिलेगा। मतलब ये फर्स्ट पेज है वो आपका ही रहेगा, आप अपनी डिटेल डालोगे तो आपका डिटेल आएगा, मैं अपना डालूंगा तो मेरी डिटेल आएगा। अभी मैंने कुछ डिटेल नहीं डाला है क्योंकि ये जो टैबलेट है मेरा डेमो वर्जन है, इसलिए मैंने कुछ डिटेल नहीं डाला, लेकिन फर्स्ट पेज में आप जो डिटेल डालोगे वो आपका ही रहेगा। नीचे आपकी क्लाइंट की डिटेल रहेगी कि कौन क्लाइंट है, भरत है, कौन सी विजिट डेट है और कहाँ से है सूरत। उसके बाद फर्स्ट पेज पे आपको चक्र एनालिसिस मिलेगा, वहाँ एक बार चार्ट में आपको अलग अलग कलर के हिसाब से आपको एक बार चार्ट, आप लोगों को कम्प्लीटली बार चार्ट मिलेगा। उसके बाद आपको एलिमेंट एनालिसिस भी मिलेगा, ये एलिमेंट एनालिसिस जो है वो अभी करंट है कि भाई अभी इसका एलिमेंट कौन सा है, जैसे अर्थ एलिमेंट 74, वाटर 80, फायर 76, एयर एलिमेंट उनका 32% है और स्पेस जो है 78% है, तो ये एनालिसिस भी कर देता है। उसके बाद उसकी ऑल ओवर ओरा के अंदर कलर कितने परसेंट है, तो एक ऑल ओवर एक हमको दे देता है इसके अंदर। उसके बाद 1/1 चक्र, मतलब रूट चक्र किस प्लैनेट से रिलेटेड है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, मैलिफिक क्या है, बेनिफिट क्या है, उसकी डिटेल में आपको यहाँ रिपोर्ट, देखो यहाँ रिपोर्ट आपको दो में मिलेगी, इंग्लिश और हिंदी, और यहाँ भी परसेंटेज में आपको मिलेगा वीक है, मीडियम है या स्ट्रॉन्ग है। तो आपको ये 7 चक्र की आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद जो हमारा एक मेन पेज है वो रिकमेंडेशन, यहाँ चक्र का पूरा रिकमेंडेशन, भाई 7 चक्र चेक किया उसमें कितने चक्र वीक है, तो इन्होंने अभी मुझे बताया कि भाई रूट चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, ये 4 चक्र उनके ख़राब है। 70 या 75 से अगर कम परसेंटेज है तो उसको हम
प्रॉब्लमेटिक बोल रहे हैं कि भाई मीडियम है तो उसको हमको ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, और 70 के अप है तो वो बैलेंस है ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन ये। उसके बाद यहाँ ओरा में जो हमारे कलर्स है तो कलर का कॉम्बिनेशन क्या है, कलर कितना है चक्र के हिसाब से वो एनालिसिस भी मिल जाता है। यहाँ ऑल ओवर ओरिया, ऑल ओवर ओरा कैसी है वो भी हमको मिल जाए कि ऑल ओवर ओरा जो है उनकी है वो 71% है, मीडियम है, अच्छी है। उसके बाद उनको क्या क्या डिसीज हो सकती है या चांसेस है वो भी आपको थोड़ा एनालिसिस मिल जाता है। उसके बाद जो क्लीन फोटोग्राफी में एक ही फ़ोटो पे कलर आता है, हमने यहाँ थोड़ा डिफरेंट देने की कोशिश की है, यही एडवांटेज है। हर चक्र के अंदर, हर कलर के अंदर 7 कलर होते हैं, तो हर चक्र के अंदर 7 कलर होते हैं, तो हमने 7ों की क्लीन फोटोग्राफी आपको दी हुई है। अलग अलग किस्में कितना है वो आपको यहाँ से दिखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे उनका हार्ट चक्र थोड़ा वीक था तो देखो उसके अंदर ग्रीन कलर थोड़ा कम आया, तो आप उसका कलर कितना परसेंटेज वो देख सकते हैं और कलर का भी ये देख सकते हैं। और इसको अगर मुझे शेयर करना है, यही रिपोर्ट को मुझे क्लाइंट को शेयर करना है, तो मुझे यहाँ 3 डॉट्स मिलेंगे, 3 डॉट्स में सेंड फाइल करूँगा तो मुझे सैमसंग के जितने भी ऑप्शन है PDF फाइल भेजने का उतने सब ऑप्शन मुझे यहाँ से मिल गया। व्हाट्सअप कर सकता हूँ, मेल कर सकता हूँ, गूगल ड्राइव पे ले जा सकता हूँ, मतलब ये मुझे क्लाइंट को भेजना है तो मैं आराम से उसको भेज सकता हूँ, और प्रिंट करना है तो प्रिंट करके भी देख सकता हूँ। अभी यहाँ पे दूसरी थियरी है कैमरा की, तो कैमरा में भी जब भी आपके पास लाइव पर्सन आएगा आप उसका फ़ोटो खींचो। बस यहाँ एक चीज़ है, जब आप फ़ोटो खींचोगे तो क्लाइंट को आपके सामने और उसके सामने ही आपको चेक करना है। जैसे मैंने यहाँ क्लाइंट को बिठा है तो क्लाइंट के हर चक्र के पास ही मशीन रख के आपको 7 चक्र यही सेम प्रोसेस उसके सामने करना है और रिपोर्ट देना है। आशा रखता हूँ ये वीडियो में आपको 7 चक्र एनालिसिस कैसे करना है वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप हमको कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।